ये देश के अंदर तमाम राम भक्तों की आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक इस पर चुप हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी को इस पर बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तक चुप हैं, और प्रधानमंत्री जी के मोदी जी के व्यक्तित्व का पूरे देश को इंतज़ार है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कब राम मंदिर को लेकर बोलेंगे। वो प्रधानमंत्री मोदी जो 24 घंटे ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं, वो अभी तक चुप हैं और पूरा देश इंतज़ार कर रहा है उनके राम मंदिर को लेकर व्यक्तित्व को। बोल के करेंगे क्या मोदी? देखिए, बोल के कुछ नहीं करेंगे मोदी जी, क्योंकि मोदी जी के बोलने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये भी बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि 15 लाख की बात कही तो वो आज तक नहीं आए हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात कही तो वो भी आज तक नहीं आए हैं, 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे वो भी आज तक नहीं बनी है। तो भाई मोदी जी के बोलने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल मैं एग्री हूँ आपकी बात से, बिल्कुल जी। तो पहले से लगते रहे हैं कि 1400 करोड़ का घोटाला BHP कर दी पहले ही। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, आप अगर आज आप बात यूपी की करते हैं ना, तो मैं आपको बता दूँ कि यूपी के अंदर आप क्राइम रेट को लेकर, लिटरेसी रेट को लेकर, एजुकेशन रेट को लेकर आप कहीं भी बात कर लीजिए, यूपी सबसे पीछे है। जहां पर ये वेस्ट बंगाल में जाकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश छोड़कर, जिसको ये उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते थे, अगर उत्तर प्रदेश पे ध्यान देते तो आज उत्तर प्रदेश की जगह उत्तम प्रदेश बन जाता। लेकिन ये उत्तर प्रदेश को छोड़कर पहुँचते हैं जनाब पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में जाकर कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर का हिंदू खतरे में है और पश्चिम बंगाल को सोनार बंगाल बनाया जाएगा। सोनार बंगाल, एक मिनट रुकिए आप जी, मैं आज आपको बता देता हूं कि आप अगर अपराध के मामले में बात करें तो यूपी सबसे आगे है। DW के अनुसार 22/10/2019 को ये रिपोर्ट जारी करी गई। NCRB के मुताबिक यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध 2016 से 2019 तक 20% वृद्धि हुई। यूपी में 2017 के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध में 56,011 मामले दर्ज हुए, जिसके बाद 2018 में ये मामले बढ़कर 59,445 हो गए। तो ये यूपी का क्राइम रेट है। तो आप अगर बात करें तो इस मामले में वृद्धि कम नहीं हुई है और बढ़ती गई है। 2019 की बात कर लें तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें और भी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप बात कर लें उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस प्रशासन की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस प्रशासन के पास हेलमेट भी नहीं है। ये सब आपने तस्वीरें देखी होंगी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को सर पे स्टूल लगाना पड़ता है। स्टूल लगाती है उत्तर प्रदेश की पुलिस, और ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन अपने ऊपर अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय उन पुलिस इंस्पेक्टरों को सस्पेंड करने का काम उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था करती है। और आप बात करें अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप एजुकेशन रेट की बात कर लें तो आप एजुकेशन रेट देख लीजिए। अगर आप बात करें यूपी के एजुकेशन रेट की, तो यूपी के अंदर का जो एजुकेशन रेट है वो है 69.72%, जिसके अंदर 79.2% जो है वो मेल हैं, और उसके बाद 59.26% फीमेल पढ़े लिखे हैं। और जहां का आप बता रहे थे हिंदू खतरे में है, वहां का आप एजुकेशन रेट जान लीजिए, वहां का एजुकेशन रेट है 77.08%। तो भाई आप डिसाइड करिए कि हिंदू खतरे में है या नहीं है, लेकिन हिंदुओं के बच्चों की पढ़ाई ज़रूर खतरे में है, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो इन भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया, और इनके गवार नेताओं के पास उन सवालों का कोई कथित जवाब नहीं होता, कोई लॉजिकली इनके पास जवाब नहीं होता। अभी आपने के पास तो होता जवाब, संबित पात्रा के पास तो हर एक मुद्दे का जवाब है। उनसे आप ये पूछिए कि जो अभी हीरो की खुदाई के लिए उस बक्सवा जंगल को काटा जा रहा है वो क्यों काटा जा रहा है। हीरे आप एक और देश के किसान को दुहाई देते हैं पॉपुलेशन और पॉल्यूशन के लिए, कि अगर किसान जो है वो पराली जलाएगा तो उसके धुएं से यहाँ पर दिल्ली में पॉल्यूशन होगा, लेकिन आपके जंगल काटने से जो आप हीरे की खुदाई कर रहे हैं उससे जो प्रकृति को नुकसान पहुँच रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। जो इतने सारे पशु पक्षी हैं जो बेघर हो जाएंगे, कितने वहाँ पर जो आदिवासी लोग रहते हैं जो कथित जंगल पे अपने पूरी तरीके से निर्भर हैं, उन लोगों का क्या होगा। लेकिन आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन मुद्दों के ऊपर कभी बात नहीं करती। आपने कहा कि जी उत्तम प्रदेश नहीं बना जी देंगे। उत्तम प्रदेश तो हो गया, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में मिल रही है जी, इससे ज्यादा क्या। देखिए तो वो ऐसा उत्तम प्रदेश हमें नहीं चाहिए ना, ऐसा उत्तम प्रदेश आप लोगों को पसंद होगा लेकिन ऐसा उत्तम प्रदेश हमें भी कभी भी पसंद नहीं है। हमें एक ऐसा प्रदेश पसंद है, और आज भी इस देश का दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी के भारत में, इस 21st सेंचुरी के हिंदुस्तान के अंदर आज भी हमारे देश के नेता, हमारे देश के पॉलिटिशियन लीडर बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की। और हमें इसी बात का दर्द है कि क्यों इस देश के अंदर हिंदुस्तानी के ऊपर बात नहीं होती। और आज भी इस देश के अंदर जो आपने देखा
और सबसे बड़ी बात, आप जिस यूपी की बात करते हैं ना, उत्तर प्रदेश की सुन लीजिए जनाब, आप ही को बता रहा हूँ, जिस उत्तर प्रदेश की आप बात करते हैं ना, उसी उत्तर प्रदेश की ये रिपोर्ट है कि जब इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक सफाई कर्मचारी की जॉब के लिए वो निकलती हैं, वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो उसके अंदर 60% प्लस पीएचडी होल्डर फॉर्म्स भरते हैं और उनका कुछ भी नहीं होता। तो आप सोचिए, जो पीएचडी होल्डर जैसे व्यक्ति जो वहाँ पर सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए लगते हैं, तो आप सोच लीजिए कि हमारा देश आज कितने पीछे जा रहा है। हमें ऐसा उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए जिस उत्तर प्रदेश में दिन रात आपराधिक घटनाएँ हों, जिस उत्तर प्रदेश में ना महिलाएं सुरक्षित हों, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर ना इस देश का जवान सुरक्षित हो, जिस उत्तर प्रदेश का किसान बॉर्डरों पर धरना दे रहा हो और वहां के उत्तर प्रदेश के मालिक, वहां के सीएम बंगाल में जाकर इलेक्शन कैंपेनिंग करे। तो भैया, ऐसे उत्तर प्रदेश के सीएम से हम हाथ जोड़ते हैं। मोहित जी, 2014 में चुनाव लड़ा था मोदी जी ने, तो बाकायदा कहा था कि विदेश में जो काला धन है स्विस बैंक में, हम उसको अपने यहाँ लाएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। लेकिन आज की डेट में स्विस बैंक में भारतीयों का काला धन और भी ज़्यादा हो गया है। क्या मोदी जी ने जो भाषण दिया था वो सिर्फ एक सगुपा था? देखिए, मोदी जी की अगर आप बात करते हैं, तो मोदी जी की आपको एक बात बता दूं, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस। आज आपको मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस जाने के लिए वहाँ पर आपको पानी में तैर के जाना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में अगर 4 बाल्टी पानी की गिर जाए तो वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। ये हालत मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की है, ठीक है। दूसरी बात, मोदी जी के आप कितने वादों की आप बात करेंगे? मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी अगर बंगाल पहुँचते हैं तो वहाँ पर वेस्ट बंगाल को सोनार बंगाल बनाने की बात करते हैं। अगर किसान के बीच में जाते हैं तो किसान की बेहतरी की बात करते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आज देश के अंदर कितने परसेंट युवा बेरोजगार घूम रहा है? आज देश के अंदर कई हज़ार लोग सिर्फ भुखमरी के कारण मर रहे हैं। आज भी इस देश के अंदर भुखमरी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों ही बड़ी समस्या हो चुकी हैं। और अगर हीरे किसके काम आते हैं आप मुझे बताइए? हीरे आपके गले में नहीं है, मेरे गले में नहीं है, इस देश के किसान खड़े हैं इनके गले में नहीं है। आपको हीरे अगर नज़र आएंगे तो बिजनेसमैनों के गले में। तो उन बिजनेसमैन के खातिर इस देश को पहले भी बेचा गया और आज भी बेचा गया। अगर आप अंग्रेज़ों की बात करें तो फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि अंग्रेज़ों के टाइम पे एक चीज़ लिखी रहती थी कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अब इसकी जगह पर इन लोगों ने कर दिया है कि गरीब इंडियंस, पुअर पीपल्स, पुअर इंडियंस आर नॉट अलाउड। मतलब आज इस देश के अंदर गरीब हिंदुस्तानियों के ऊपर जो ये पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की सरकार जो जुल्म कर रही है, इस जुल्म के खिलाफ हमें और आपको मिलजुल कर आवाज़ उठानी होगी। और आप समझते हैं कि हम सत्ताधारी सरकार से डर जाएंगे, तो ये आपकी एक गलतफहमी है। हम सत्ताधारी सरकार से और सत्ता पक्ष में बैठी सरकार से हरगिज़ नहीं डरते, क्योंकि हमें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि आज मौजूदा सरकार किसकी है। हम इस देश के अंदर भगत सिंह की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, समझ रहे हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज़ादी देता है राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम की, और जिसके तहत हमारा फ़र्ज़ है कि अगर इस देश में कुछ गलत हो रहा है तो हम उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और हम इसमें कास्ट, रिलीजन और जाति को नहीं तराशते, हम सिर्फ इसमें हिंदुस्तानी को तराशते हैं। जी, तमाम आंकड़ों की आप बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के, ये इतने जो बोर्डिंग लगे हुए हैं वर्षों से जो हो ना पाया, 4 साल में कर दिखाया, आपको क्या लगता है ये सही नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने इस बात से कब मना करा आपकी, मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि जो काम वर्षों से नहीं हो पाया वो योगी सरकार ने कर दिखाया। बिल्कुल, अगर आप पिछली सरकारों को देखें तो क्राइम रेट इतना नहीं था, लेकिन योगी सरकार ने कर दिखाया। इतनी ज़्यादा एजुकेशन को लेकर, इतनी ज़्यादा लिटरेसी रेट कभी कम नहीं था, लेकिन योगी सरकार ने कर दिखाया। राम मंदिर का घोटाला कभी नहीं होया, लेकिन योगी सरकार ने कर दिखाया। बहन बेटियों के साथ अपराध और बलात्कार जैसी घटनाएं कभी नहीं हुई उत्तर प्रदेश में इतनी, जो योगी सरकार के राज में योगी सरकार ने कर दिखाया। तो हम इस बात से एग्री हैं कि योगी सरकार ने जो कभी नहीं हुआ वो करके दिखाया। इन चीज़ों का समाधान कैसे निकलेगा ये भी तो बताइए। इन चीज़ों का समाधान सिर्फ यही है कि इस देश के अंदर आपको और हमें एक ऐसे लीडर को नहीं चुनना जो बात करे कास्ट एंड रिलीजन की, जो इस बात को छोड़कर कि सरहद पे देश का जवान शहीद है, देश का किसान बॉर्डरों पर बैठा हुआ है, लेकिन वो बात करते हैं हिंदू और मुस्लिम की। अभी भी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से हमारे देश के जवान सरहद पे लगातार शहीद हो रहे हैं, तो उसको लेके सरकार बात ही नहीं कर रही है। लीडर चाहिए जो कास्ट की बात ना करे। जी, भारत में तो मुश्किल है कोई ऐसा नेता मिल पाए।
देखिए ऐसा नहीं है कि भारत में मुश्किल है, ढूंढने से तो भगवान भी मिल सकते हैं, लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। नहीं नहीं मिल जाएंगे वो भी, जब इस देश के नेता आपको भगवान की जाति बता देते हैं तो आपको भगवान को ढूंढने की जरूरत कहाँ से है। जिस उत्तर प्रदेश की भूमि पे आप खड़े हैं, इसी उत्तर प्रदेश के बहुमुखी सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो छत्तीसगढ़ में जाकर भी हनुमान जी की जाति बताते हैं और तमाम जगहों पर जाकर हनुमान जी की जाति बताते हैं, कहीं वो उन्हें दलित बताते हैं तो कहीं वो उन्हें आदिवासी बताते हैं, जिन्हें अपनी कास्ट और रिलीजन का नहीं पता वो आपकी हमारी जाति को छोड़कर आज वो भगवान की भी जाति बताते हैं। तो भैया ऐसे सीएम से हाथ जुड़वाए। कोई चेहरा है आपकी नज़र में? अगर देखिए चेहरा तो इस देश की जनता चुनने वाली है और जनता के हाथ में एक ही डेमोक्रेसी में एक ही अधिकार है और वो है वोट का अधिकार, और वोट के माध्यम से अगर इस देश की जनता एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है तो इस देश की जनता परिवर्तन भी कर सकती है, और परिवर्तन इस संसार का नियम है। और आखिरी सवाल, वोट तो जो पड़ता जाति पर पड़ता है, ये भी सच्चाई है? देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, वेस्ट बंगाल में अगर वोट पड़ा तो जाति के नाम पर नहीं पड़ा, वेस्ट बंगाल का वोट पड़ा देश के किसान के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर, इस देश के अंदर यंगस्टर्स के नाम पर वोट पड़ा, और जो किसान जो यहाँ से वहाँ गया उसके नाम पर वोट पड़ा। तो अब की बार मुझे लगता है कि यूपी के अंदर वोट जो पड़ेगा वो कास्ट और रिलीजन के नाम पर नहीं, सिर्फ इस देश के किसान के नाम पर पड़ेगा, इस देश के यंगस्टर्स के नाम पर पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बस लास्ट सवाल, बाबा रामदेव और अन्ना हजारे बोलते थे कि काला धन आएगा तो इस बैंक से काला धन वापस आएंगे, मोदी जी आएंगे, आपका क्या कहना है? हैं और बाबा रामदेव के पास मुझे लगता है कि जो विदेश से काला धन आया वो सारा जो धन है इन्हीं लोगों ने डिवाइड कर लिया, तभी तो आज बाबा रामदेव की इतनी बड़ी कंपनी चली है पतंजलि। बताइए ना, इस पूरा देश जानना चाहता है कि पतंजलि में इतना पैसा कहां से आया और आपको सपोर्ट करने वाला कौन है? अन्ना हजारे के पास कहां से पैसा आता है, उनको सपोर्ट करने वाला कौन है, ये पूरा देश जानना चाहता है। बताइए आप, अर्थव्यवस्था डूबी पड़ी है हमारे देश की, बेरोजगारी के टूट गए हैं सारे रिकॉर्ड, सरकार कहती है कि नए नोट छापेंगे तो ये अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी, कितना सही मानते हैं नए नोट छापने को आप? देखिए सरकार की अगर आप बात करें तो सरकार ने तो ये भी कहा था कि जो नोटबंदी है उससे आतंकवाद की कमर टूटेगी, और आप देखते हैं कि आतंकवादी की ऐसे कमर टूटी कि अब आतंकवाद जो है वो गलियों में भी नज़र आने लग गए हैं। अभी वो डीएसपी देवेंद्र सिंह का भी पकड़ा जाता है तो कभी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई घटना दुर्घटना घटित हो जाती है। तो भाई आतंकवाद की कमर टूटी चाहे नहीं टूटी, लेकिन इस देश की इकोनॉमी की कमर पूर्ण रूप से टूट चुकी है, और आप इकोनॉमी पे अटके हुए हैं, पूरे देश की कमर टूट चुकी है। तो अगर इस टूटती कमर को दोबारा से स्ट्रेट करना है, इसको दोबारा से खड़ा करना है, तो आपको इस देश के अंदर से ऐसे नेताओं को भगाना होगा जो कास्ट और रिलीजन की बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।